हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है। कल हमारा सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है, कल किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कल मार्केट के अंदर, कल का जो मार्केट, उसके अंदर एक हैमर कैंडल हमें देखने को मिली, उसके अंदर एक हैमर कैंडल हमें देखने को मिली थी। और इस हैमर कैंडल के बारे में मैंने आपसे कहा था कि इसको देख करके कुछ ज्यादा मत सोचना, क्योंकि ये हैमर कैंडल उतनी जितनी एक मार्केट अपसाइड की तरफ जाने के लिए चाहिए थी, ऐसी वाली हैमर कैंडल नहीं थी। हैमर कैंडल ने कहीं ना कहीं आज जबरदस्त तरीके से ट्रैप किया है और मार्केट आपका उसी जगह पर है जहां पर था। फिर मार्केट ने आपके नीचे की तरफ, आपका एक इम्पोर्टेंट लेवल जो मैंने आपको कल से बता रखा है, उसी को रेस्पेक्ट किया है, उसको ब्रेक नहीं किया है। हैमर कैंडल को मॉर्निंग के दौरान ब्रेक किया, बट एक तरीके का ट्रैप, और उसके बाद में मार्केट की क्लोजिंग हमारी यही हुई। कल से डाउन साइड की तरफ हमारी क्लोजिंग देखने को मिली थी। कल की हमारी क्लोजिंग थी यहाँ, और आज मार्केट की क्लोजिंग थी 50,156 के आसपास। ठीक है, अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है? आज आपके निफ्टी की एक्सपायरी थी, निफ्टी के अंदर कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला है। निफ्टी ने भी आज सारे दिन एक तरीके से परेशान किया, ट्रैप किया। कल मैंने आपसे कहा था कि जब तक हमारा ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हो जाए, अपसाइड के बारे में नहीं सोचना। फिर भी अगर आपने लास्ट टाइम पर, अगर आज मार्केट के बारे में, यहाँ पर इस जगह मार्केट को जाने के बाद में अगर सोचा होगा, तो आप ट्रैप में फंसे होंगे। बुरी तरह मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, ग्रीन कैंडल दिखाता है, और उसके बाद में मार्केट डाउन साइड की तरफ आ जाता है। मॉर्निंग में जब मार्केट आपका ओपन हुआ था, ओपन होने के साथ ही मैंने आपको एक सिग्नल दिया था कि मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आ सकता है, आपके निफ्टी डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दिखा सकती है, और वैसा ही हमें देखने को मिला। मॉर्निंग में मैंने आपको मैसेज किया था, निफ्टी करंट मार्केट 24,225, और निफ्टी के अंदर एक इम्पोर्टेंट लेवल है, जैसा ही कल मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था, वो लेवल था हमारा 24,172 और 74 का। यहीं से मार्केट इसको ब्रेक करता है और मार्केट नीचे की तरफ लो लगाता है 24,119, और उसके बाद में मार्केट सारे दिन एक इम्पोर्टेंट रेंज के अंदर घूमता रहा। कल क्या हो सकता है, पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर। देखिए, निफ्टी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बड़ा जबरदस्त बना हुआ है। अगर हम फर्स्ट कैंडल को देखें तो हमें एक इस तरीके का मामला देखने को मिल जाएगा, इस तरीके का मामला देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर हमारी पहले फर्स्ट डे इतनी बड़ी कैंडल बनती है, उसके बाद में ये वाली कैंडल, उसके बाद में ये वाली कैंडल, और उसके बाद में ये वाली कैंडल, बट कहीं ना कहीं ये सेटअप ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। किसी किसी भी तरफ हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल रहा है। कब होगा ये देखने वाली बात होगी, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर बार मैं आप लोगों को कहता रहता हूँ कि मार्केट के दिन 22 होते हैं, डे 22 होते हैं, बट पैसा बनाने के लिए या इस मार्केट के अंदर सस्टेन होने के लिए, बड़े फंड से काम करने के लिए, वही 5 से 6 दिन बस, जिस दिन मार्केट के अंदर अच्छा खासा फंड हमें देखने को मिलता है। वरना आज कल और परसों 3 दिन से मार्केट परेशान करके रखा है, क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर है। कल भी कहा था जब तक नहीं टूटेगा तब तक कुछ भी नहीं देने वाला। कल क्या हो सकता है, वही इंपोर्टेंट लेवल हो जाते हैं हमारे लिए। अप साइड की तरफ भी एक साइकोलॉजिक लेवल है, डाउन साइड की तरफ भी एक साइकोलॉजिक लेवल है। डाउन साइड की तरफ जो हमारे पास लेवल है वो है आपका 49,750 का, जो अब तक ब्रेक नहीं हुआ है, या यूं कह लीजिए कि अब तक हमारा 50,000 का जो साइकोलॉजिक लेवल है वो ब्रेक नहीं हुआ है। बात कर लेते हैं अप साइड की तरफ, कि अपसाइड की तरफ हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो है 50,500 का साइकोलॉजिक लेवल, जो अब तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। मार्केट लगातार इसी रेंज के अंदर काफी दिनों से घूम रहा है, इसी रेंज के अंदर काफी दिनों से घूम रहा है, ना डाउन साइड ना अपसाइड किसी भी तरफ ये रेंज ब्रेक नहीं हो रही। तो ये दो लेवल है, इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर नजर रखिए। कल के लिए कौन सा लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, 15 मिनट के ऊपर देखते हैं। देखिए, मार्केट इसी तरीके से है और मार्केट इसी तरीके से चलता है। आप लोगों को लगता है कि इस मूवमेंट में पैसा बन गया तो रोज इसी तरीके से पैसा बनेगा, जी नहीं, रोज ऐसा नहीं होता है, रोज ऐसा नहीं होता है। मार्केट कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल पैटर्न बना तो आ रहा है, जिसके अंदर फर्स्ट डे बड़ी बड़ी मूवमेंट करके अब जो आपके मूवमेंट है वो सिकुड़ के छोटी साइज में हो गई है। इम्पोर्टेंट लेवल वही रहने वाला है जो मैंने आपको कल भी कहा था कि आपकी एक इम्पोर्टेंट ट्रेड लाइन वर्क कर रही है, ये वाली ट्रेड लाइन आपकी इम्पोर्टेंट वर्क कर रही है, जो आज भी आपकी ब्रेक नहीं हुई। कल के दौरान अगर मार्केट
इस इम्पोर्टेंट लेवल को अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो लेवल है आपका 49,800 के करीब का, मैं बता रहा हूँ 49,750 का, जो कि एक बफिंग लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर मार्केट हमें नेक्स्ट लेवल दिखाएगा 49,500 जो साइकोलॉजिक लेवल है, और उसके बाद में एक चीज का ध्यान रखना 49,500 को रेस्पेक्ट नहीं करेगा। अब जब कभी आपका ये ब्रेकआउट होगा 49,500 को रेस्पेक्ट नहीं करने वाला, अगर मार्केट 49,600 के आसपास आता है तो वहाँ थोड़ा सा टाइम बिता करके मार्केट आपको नेक्स्ट लेवल दिखा सकता है 49,380। ये मूवमेंट आपको डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है। बात कर लेते हैं अपसाइड के बारे में। अपसाइड का मामला मैंने आपको कल भी कहा था, जब तक मार्केट 50,655 के लेवल को ब्रेक नहीं कर दे उससे पहले कुछ सोचना नहीं है, जिस दिन ब्रेक करेगा उसके बाद में देखेंगे। ठीक है, बात हो गई। बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर, निफ्टी के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है। निफ्टी के अंदर भी वही रेंज वाला सिस्टम है। आज भी मार्केट ने जो हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल था 24,174 का लेवल, इस लेवल पर कई बार मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया है, इस लेवल पर कई बार मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया है और आज उस लेवल के नीचे की तरफ मार्केट ने क्लोजिंग दी है। देखने वाली बात होगी कल मार्केट कहां पर ओपन होता है, ये देखने वाली बात ये भी होगी जो हमारा गैप था, जो हमारा ये वाला गैप था, कहीं ना कहीं ये गैप भी कंप्लीट तरीके से फिल नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं ये गैप भी कंप्लीट फिल नहीं हुआ है। गैप फिल कब होगा, जब मार्केट 24,000 का लो लगाएगा, जब मार्केट 24,000 का लो लगाएगा। डाउन साइड की तरफ आपको लेवल में बता दूं 23,750 का लेवल था, 23,750 का जो लेवल था वो हो चुका है आपका 23,835 का लेवल। अब अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है नेक्स्ट लेवल जो हमें देखने को मिलेगा 23,755 और उसके बाद में 23,680 और इसके बाद में आपको एक अच्छा खासा डाउन साइड की तरफ फॉल देखने को आने वाले टाइम में मिल सकता है। बात कर लेते हैं अपसाइड की तरफ। एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसे मार्केट बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है। आज भी मार्केट ने इस इम्पोर्टेंट लेवल को रेस्पेक्ट किया है जो लेवल है 23,340 के आसपास का। आज भी मार्केट ने इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं किया है। देखने वाली बात है यह लेवल कब ब्रेक होगा। एक इम्पोर्टेंट अपसाइड की तरफ लेवल है 24,465। जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन ना करे तब तक अपसाइड के बारे में कुछ भी ज्यादा मत सोचना। बात कर लेते हैं आपकी सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स की कल की एक्सपायरी है और सेंसेक्स भी इसी तरीके से एक इम्पोर्टेंट रेंज के अंदर है और रहने वाला है। जी रहने वाला है। अगर आप सेंसेक्स के चार्ट को गौर से देखेंगे तो सेंसेक्स आपकी बैंक निफ्टी की तरह नहीं है। बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर हम वनडे के उसमें देखें, टाइम फ्रेम में देखें, तो वनडे के चार्ट के अंदर जो बैंक निफ्टी के नीचे की तरफ की जो कैंडल्स हैं वो कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास जा करके अपने आप को रोक लेती है। एक इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास जाकर के अपने आप को रोक लेती है। ये रेंज है जहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हो रही है। कहीं ना कहीं इस लेवल तक मार्केट आता है और यहीं से वापस मार्केट अपसाइड की तरफ चले जाता है। बट अगर हम सेंसेक्स का वनडे का चार्ट देखें तो इसके अंदर आपको एक परफेक्ट ट्रेड लाइन बनती हुई नजर आ रही होगी डाउन साइड की तरफ। डाउन साइड की तरफ से आपको एक परफेक्ट ये वाली आपको देखने को मिलेगी। इसी को अगर हम 15 मिनट के ऊपर या 30 मिनट के ऊपर देखें तो यही ट्रेड लाइन आपको परफेक्ट वर्क करती हुई देखने को मिलेगी कि मार्केट डाउन साइड की तरफ आता तो है 3 दिन से बट एक ट्रेड लाइन को फॉलो करता है। आता तो है बट मार्केट एक ट्रेड लाइन को फॉलो करता है। कल भी मार्केट आपका आता है, आज से पहले 5 तारीख को मार्केट आपका ओपन इसी जगह होता है। मार्केट ओपन इसी जगह होता है। अगर क्लोजिंग बेस पे, कैंडल की क्लोजिंग बेस पे बात की जाए तो ये वाली एक इम्पोर्टेंट रेंज है जिसे मार्केट अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है। बहुत अच्छी तरीके से मार्केट इस अपसाइड के जो एक रेंज है आपकी 79,700 वाला जो एक लेवल है उसे मार्केट जबरदस्त तरीके से एज फॉर एक रेजिस्टेंस मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। डाउन साइड की तरफ बात करें तो डाउन साइड की तरफ हमारा जो लेवल होगा इम्पोर्टेंट वो लेवल होगा हमारे लिए ये वाला। जब तक ये लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं हो जाता, जो लेवल है आपका 78,000
800, जब तक ये वाला लेवल आपका ब्रेक नहीं हो जाता। आज मार्केट आता है डाउन साइड की तरफ, 78,900 को ब्रेक करता है, बट ये जो लास्ट वाली कैंडल है इस कैंडल का कुछ कहा नहीं जा सकता। एक्चुअल में जो मार्केट की क्लोजिंग है यहाँ नहीं हुई, लास्ट वाली कैंडल है, हमेशा एक तरीके से सेटलमेंट कैंडल होती है। तो कल के लिए हमारे पास क्या लेवल होगा, हमारे लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो होगा 78,800 वाला लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है और मार्केट यहाँ सस्टेन करता है तो उसके लिए नेक्स्ट लेवल होगा 78,600। और अगर ये इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक हो जाता है तो इसके बाद में जो आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 78,200 तक मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ आ सकता है। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 78,200। ये वाला लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। अपसाइड की तरफ बात करें, जब तक मार्केट आपका 80,000 के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं करते, जब तक मार्केट आपका 80,000 के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं करते तब तक मार्केट के अंदर ट्रैप मत हो जाना। आपके लिए कल के लिए भी एक जबरदस्त लेवल हो जाता है 80,000 का लेवल अपसाइड के लिए, और डाउन साइड की तरफ अगर बात की जाए तो वो लेवल होगा 78,800 का, लगभग 1200 पॉइंट की रेंज है। और देखिए, आप लोग कहते रहते हो कि सर इतनी बड़ी रेंज के अंदर हम काम करें तो करें कैसे? जी, ये बड़ी रेंज ही आपको बचाएगी, एक्चुअल में ये बड़ी रेंज ही आपको बचाएगी। देखिए, रेंज किस तरीके से बचाएगी, मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज कहता रहता हूँ कि जो हमारी बैंक निफ्टी है वो 50,000 का इंडेक्स है, 50,000 का इंडेक्स है। अगर ये 50,000 का इंडेक्स 500 पॉइंट से अपसाइड या डाउन साइड की तरफ मूवमेंट नहीं कर रहा तो ये सोच के रखिए आप ट्रैप होने वाले। आपका जो सेंसेक्स है वो 80,000 के आसपास है, 80,000 वाला इंडेक्स अगर 800 पॉइंट की मूवमेंट नहीं कर रहा इंट्राडे के दौरान, उसके अबव अगर मूवमेंट नहीं कर रहा तो वो भी आपको कहीं ना कहीं ट्रैप करने वाला है। उसी तरीके से अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपकी 25,000 के आसपास है, 25,000 के आसपास है। 25,000 का इंडेक्स अगर आपका 200 पॉइंट की मूवमेंट नहीं कर रहा, 180 पॉइंट से अपसाइड या डाउन साइड की तरफ मूवमेंट नहीं कर रहा, लगभग 200 पॉइंट की अगर मूवमेंट नहीं कर रहा तो जी हाँ, ये ट्रैप करने वाला है, जी हाँ ये ट्रैप करने वाला है। तो हम ये समझ सकते हैं कि कल अगर सेंसेक्स 800 पॉइंट की मूवमेंट, 800 पॉइंट के अबाव अगर मूवमेंट नहीं करने वाला तो बिल्कुल मार्केट हमें ट्रैप कर सकता है। और आज अगर हम सेंसेक्स का एक मामला देखें, देखिए ट्रैप कहाँ हो रहे हैं, मार्केट यहीं घूम रहा है, फिर झटके से ये तीन कैंडल बनाए, उसके बाद में डाउन साइड की तरफ, फिर ग्रीन कैंडल, फिर डाउन साइड की तरफ। तो इस तरीके से मामले हो रहे हैं और इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक नहीं हो रहा, यहीं आप फंस रहे हैं। आज निफ्टी के ऊपर सबसे ज्यादा लोग जहाँ ट्रैप हुए हैं, और आप जो बोलते रहते हो ना ऑप्शन चैन, आज जिन लोगों ने ऑप्शन चैन को फॉलो किया होगा सबसे ज्यादा ट्रैप हुए, ऑप्शन चैन ने इस जगह फंसाया था। जाकर के आंकड़े आप गूगल के ऊपर चेक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन चैन, ना ऑप्शन चैन वर्क करती है ना आपके इंडिकेटर वर्क करते हैं, वर्क करेंगे तो केवल और केवल लेवल, और उससे भी सुपर चीज ऐसे मार्केट के अंदर आपका पेशेंस, आपका धैर्य, जो आपको को रोक कर रखेगा, मूवमेंट नहीं बनेगी, आपका लेवल नहीं आएगा, मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं बनेगी और आपको चुपचाप मार्केट के अंदर बैठा रहना पड़ेगा। क्यों? देखिए, इस मार्केट के अंदर पैसा बनाना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी आपके फंड को सिक्योर करके रखना है। डीमैट अकाउंट के अंदर अगर फंड को आप रखे हुए हो और ट्रेड नहीं कर रहे तो ये भी एक तरीके का आर्ट है, ये भी एक तरीके का आर्ट है जो आपके फंड को सुरक्षित रखता है। और अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। कल मैंने आपको HDFC के बारे में समझाया था और HDFC के बारे में मैंने आपको क्लियर कट चीज मैंने आपको बताई थी कि 1638 से लेकर के 1638 से लेकर के 1649 का एक लेवल है, एक रेंज है जो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगी। अगर इस मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद में सोचना, और वहीं पर जाकर के आपका HDFC बैंक अटकता है और उसी जगह एक मार्केट एक रेंज बनाता है,
जाकर के आप इसको कल का वीडियो भी चेक कर लेना और आज की रेंज भी चेक कर लेना। अगर आप नए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी एजुकेशन से जुड़ना चाहते हो तो हमारे कोर्स का लिंक है, ओनली ऑन कोर्स है, एजुकेशन पर्पज से सीखने के लिए। बाकी डाउन नीचे की तरफ ये हमारा देव लर्निंग स्टॉक ग्रुप है, जिसके अंदर लर्निंग पर्पज से कई तरीके के चार्ट की एनालिस और उनके कई तरीके के आइडिया आपको सेंड किए जाते हैं कि इस तरीके की सेटअप बन रहे हैं, इसके ऊपर आप काम कर सकते हो, किस जगह ब्रेकआउट देखा जाएगा, किस जगह ब्रेकडाउन देखा जाएगा। तो अगर आप इसमें हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो बिल्कुल लाइफ टाइम आप बिल्कुल फ्री जुड़ने वाले हो। और आप में से कई सारी बधाइयाँ आई है आज, तो आप सबको तहे दिल से जी तहे दिल से हार्दिक थैंक यू, धन्यवाद जो आपने इतना लाड और प्यार दिखाया उसके लिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।